आज कृषि राज्य मंत्री ने औरैया के फफून क्षेत्र में पहुंचकर किसानों के धान की फसल का जायजा लिया और खेतों में धान की फसल काट रही कंबाइन मशीनों को भी मानक के तहत फसल अवशेष काटने की हिदायत दी। देखिए, धान की फसल खड़ी हुई है और इस समय कटाई का सीजन चल रहा है। मैंने देखा कि कंबाइन मशीन एक खेत में काट रही है, उसमें चूँकि शासन के निर्देशानुसार कंबाइन मशीन में नीचे से फसल के अवशेष को नीचे से काटने के लिए एक यंत्र लगाया गया है, कृषि यंत्र, वो लगा है कि नहीं लगा है। तो कंबाइन मशीन को जाकर देखा तो उसमें वो कटर लगा हुआ था, लेकिन कंबाइन मशीन वाला उसको ठीक से नहीं काट रहा था। उसको फसल के अवशेष को जड़ से काटने के निर्देश दिए तो उसने उसका कंप्लायंस करके अब ठीक काट रहा है। राज्य मंत्री ने मानक के तहत ही फसल अवशेष काटने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, ये भी कहा है। वहीं अगर कंबाइन मशीन मानक के तहत फसल अवशेष नहीं काटती है तो मशीन को सीज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।